बात करें यहाँ से अगर आप ग्वाड कॉम्प्लेक्स की, तो हम देख रहे हैं कि यहाँ पे ग्वार गम का दिसंबर वायदा 10,370 पर ट्रेड कर रहा है, 25% की तेजी है, और ग्वार सीड का दिसंबर वायदा 5,845 पर ट्रेड कर रहा है, 0.25% की तेजी। सुबह के मुकाबले देख रहे हैं कि ग्वार गम और ग्वार सीड का वायदा बाजार अब कहीं ना कहीं हल्का फुल्का लेवल्स धीरे धीरे कम होते नज़र आ रहे हैं। ठीक ऐसा ही कारोबार हमने हफ्ते के आखिरी कारोबार दिन भी देखा था कि ग्वार गम ग्वार सीड की जो कीमतें हैं सुबह में तो तेज़ी की ओर खुली थी, लेकिन शाम को ट्रेड होते होते मार्केट क्लोज होते होते कीमतें थोड़ी थोड़ी कम होती नज़र आई थी। ठीक वही रुझान हम आज भी देख रहे हैं, हफ्ते के पहले कारोबारी दिन ग्वार गम और ग्वार सीड में सुबह के मुकाबले जो कीमतें हैं अब वो धीरे धीरे कम होती नज़र आ रही हैं। दरअसल ग्वार गम और ग्वार सीड अभी एक्सपोर्ट डिमांड तो ठीक ठाक है, लेकिन इसमें तब भी उठापटक देखने को मिल रही है। पहले जो फंडामेंटल्स बने थे ग्वार गम ग्वार सीड में वो इतने भी तेज़ी वाले नहीं थे। ऐसा कुछ जानकारों का कहना है कि ग्वार गम और ग्वार सीड के जो फंडामेंटल्स थे वो इतने भी तेज़ी की नहीं थे, जिसकी वजह से ग्वार गम में 13,000 तक का भी लेवल देखने को मिले, जो कि हमने ग्वार गम के वायदा बाज़ार में आते हुए भी देखा है। 13,000 के बाद हमने देखा था कि जो कीमतें थी नीचे में 9,400-9,500 तक भी जाती नज़र आई। वहीं केडी एडवाइजरी के डायरेक्टर अजय केडे के मुताबिक अभी जो ग्वार गम ग्वार सीड है उनमें अभी गिरावट देखने को मिल सकती है। ग्वार गम का वायदा बाजार नीचे 9,200 तक लुढ़कता नज़र आ सकता है और ग्वार सीड का वायदा बाजार 5,400-5,500 तक नीचे में जाता नज़र आ सकता है। तो ग्वार गम और ग्वार सीड में अभी हाल फिलहाल में अभी आगे जाके गिरावट ही देखने को मिल सकती है। तो ग्वार गम और ग्वार सीड का वायदा बाजार काफ़ी ज़्यादा उठापटक रहने वाला है अभी हाल फिलहाल के अंदर।